शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस वेब सीरीज को लेकर एक हंगामा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस पर पहले क्यों नहीं बैन लगाया गया, इस तरह हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत क्यों दी जाती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले न जाने कितनी फिल्में आई और कई के पोस्टर्स भी कुछ उसी तरह की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये केवल एक ओटीटी का मामला नहीं है, ओटीटी तो बहाना है हिंदू आस्था पर लगातार चोट करवाना है और इस्लामिक जिहाद की लिपापोती करवाना है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, इसको बैन करवा देते, पर क्या राहुल गांधी ये नहीं कहा है क्या? राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू आतंक जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक है, एलईटी कम खतरनाक है। क्या इन्होंने 26/11 में कसाब कलावा पहनकर आया था? ये तो अच्छा है कि कसाब को पकड़ा गया, वरना तो ये कोई मूवी बना देता कि देखिए कसाब तो दरअसल वो हीरो था और तुकाराम ओबड़े जो थे वो एक्चुअली आतंकवादी थे, ये भी कोई बना देता। क्या लीपापोती करते हुए कश्मीर में जो जिहाद हुआ उसको ये नहीं बताया गया कि माइग्रेशन हुआ, और यासीन मलिक को घर पर नहीं बुलाया गया प्रधानमंत्री के? क्या ये लोग लीपापोती करते हुए इन लोगों ने ये नहीं कहा है कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान जो थे वो तो बहुत अच्छे थे, वो मंदिर बनाते थे? क्या लीपापोती करते हुए हिंदू टेरर को गढ़कर समझौता ब्लास्ट का दोष वैसे यूनाइटेड नेशंस में डाला जा रहा था पाकिस्तान पर देश में कहा जा रहा था कि ये हिंदू टेरर का कृत्य है, सैफरन टेरर का कृत्य है? तो ये बहुत लंबा इतिहास है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करो, लीपापोती इस्लामिक जिहाद पर करो। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज वर्क ऑफ आर्ट के बहुत सारे समर्थक बैठे हैं, एक सैयद जवाद भी बैठे, एक विवेक श्रीवास्तव बैठे। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, ये कश्मीर फाइल्स वर्क ऑफ आर्ट नहीं था? ये इमरजेंसी वाली फिल्म जो आ रही वो वर्क ऑफ आर्ट नहीं है? ये चार्ली हेब्डो के कार्टून वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है? ये हमारे 12 वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है? ये 72 हूरे बनी थी, ये वर्क ऑफ आर्ट है या नहीं है? ये हिंदुओं के प्रति जब हो जाता है तब ये वर्क ऑफ आर्ट है और हिंदू इसको सहन कर ले। और अगर कोई हमारे 12 बना दे या 72 हूरे बना दे, मैं आज चाहता हूं कि चार्ली हेब्डो के कार्टून का समर्थन जो है वो सैयद जवाद करे, और ये 72 हूरों का या कश्मीर फाइल्स या केरल स्टोरी का समर्थन आज विवेक श्रीवास्तव करे, तब पता चलेगा कि ये सच में उदारवादी है। वरना ये उदारवाद का हिजाब पहनकर आते हैं और असलियत में ये हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए बैठे। और आखिरी बात, ये तो रियल कोई फिल्म को डिपिक्ट किया, रियल सिचुएशन को डिपिक्ट किया है ना, तो रियल नाम क्यों नहीं बताते आप? रियल फैक्ट से डिस्टॉर्शन क्यों? ये तो फेक न्यूज के खिलाफ है ना, ये तो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ है ना, ये पोस्ट ट्रूथ के खिलाफ है ना। तो विवेक श्रीवास्तव आप बताइए ना, इनके असली नाम काजी शाकुर जहीर इब्राहिम शाहिद अख्तर और इब्राहिम अख्तर था ना, तो ये भोला और ये शंकर कैसे बन गए? हाँ, भोला एक नाम का आतंकवादी था, पता है कौन था वो? भोला नाम के एक व्यक्ति ने एक प्लेन हाईजैक की थी 1978 में, जब इंदिरा गांधी को जनता सरकार ने इमरजेंसी के लिए जो उन्होंने काले कृत्य किए थे उसके लिए सजा दी थी, तब उस समय पर एक प्लेन हाईजैक किया था और कहा था कि ये प्लेन तब तक हाईजैक रहेगा जब तक इंदिरा गांधी छोड़ी नहीं जाती, और जब छोड़ी गई उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उसको पार्डन करके टिकट दिया यूपी का। ये है आपके कृत्य, आपने हाईजैकर को टिकट दिया। अब ये सीधी सवाल विवेक जी यही है कि जब कश्मीर फाइल्स बनती है, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल शहजाद ने पूछ दिए, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आप कहते हैं कि देखिए ये तो एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, ये एक नैरेटिव पेंट करने की कोशिश है, क्या यहाँ एक नैरेटिव पेंट नहीं हो रहा है विवेक श्रीवास्तव जी? नहीं, कोई नैरेटिव नहीं पेंट हो रहा है। पहली चीज, कश्मीर फाइल्स केरला फाइल्स और इसमें फर्क को समझिए। केरला फाइल्स के अंदर ट्रेलर आता है, बोलते हैं साहब 30,000 जिनको आईएसआईएस के आईसिस के थ्रू वहां ले जाया गया, एक षड्यंत्र था। बाद में जो प्रोड्यूसर है अपोलोजाइज करता है, कहता है मात्र 3 या 4 केसेस ही थे, ये हुआ है और इसी चैनल पे हुआ है और शायद आप ही की डिबेट में हुआ हो। अब आई कश्मीर फाइल्स पे, मेरा कश्मीर फाइल्स को लेके क्या ऑब्जेक्शन है? कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ गलत हुआ सब मानते हैं, सभी पार्टी के लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यू आर ट्राइंग टू सेल डेथ। आप कहते हैं ऐसा करते हैं साहब, इन मुसलमानों को थोड़ा सा वोट पोलराइज करके हिंदू वोट लेने के लिए लेट अस शो द मुस्लिम्स इन अ बैड नेम, लेट अस मेक अ मूवी, एक पिक्चर बनाएंगे, उस पिक्चर को लेकर के हर गली विवेक जी तो उल्टा सवाल क्यों ना पूछो, ये सवाल उल्टा क्यों ना पूछा जाए? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू सेल डेथ, ये सवाल उल्टा क्यों ना पूछा जाए आपसे कि इस वेब सीरीज के जरिए आप हिंदूस को ऐसा पेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, आप कभी शहजाद पूनावाला को नहीं आपको भी नहीं रोक रही हूँ, एक इंटरजेक्शन दे रही हूँ, उसके बाद आप बोलिए ना प्लीज। पूरा भाषण दिया, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के शायद दिया हो या स्टूडियो में नोट्स लाए हो, लेकिन अब हम बोलने लगते हैं तो आप लोग इंटरप्ट करना शुरू कर देते हो। चलिए अब आप सुन लीजिए मेरी बात को, कश्मीर फाइल्स में आप दिखा रहे हैं कि कश्मीर टेलीप्रॉम्प्टर बता दिया मुसलमान, सुन लीजिए। नहीं,
लेकिन वो इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। अरे मैडम सुनती जाइए आप। अब ये है कि जो कश्मीर में हुआ वो बुरा हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसका उसकी एक रील बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, ना उससे कश्मीरी पंडितों को अब कोई फायदा होने वाला है, ना कश्मीर को फायदा होने वाला है, ना इतिहास पढ़ने वाले को फायदा होने वाला है। किसको फायदा होने वाला है? भाजपा को। कैसे? इसको ले जाकर के हिंदुओं के अंदर पूरे देश के अंदर दिखाओ और उनको समझाओ कि देखो मुसलमान कितने बर्बर होते हैं, ये कितने आतंकी होते हैं, इन्होंने कश्मीर में क्या किया, तुम्हारे साथ भी यही होगा, यूपी में होगा, गोंडा में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ, पोलराइज हो जाओ, बीजेपी तुम्हारा चैंपियन है। मैं एक मिनट आपको रोक रही हूं, बीजेपी का, मैं विवेक जी, विवेक जी एक मिनट आपको रोक रही हूं। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, जरा सीधे रुक कर ले। भ्रमण करता था, प्रवास करता था, जहां भी उसको जाना होता वो दौड़ता रहता था और समाज के समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब एक महिला लोग सब जेल में रह गए सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में एक महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है, मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया है।